टुडे इज द न्यू चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स. लाइन, व्हाट इज द लाइन? लाइन लाइन क्या चीज होती है? ये द कलेक्शन या इस प्रकार से कह लें द मैनी पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट पथ इज कॉल्ड ए लाइन. एक स्ट्रेट पथ पे रखे हुए सभी पॉइंट्स को ज्वाइंट करने पर, इनको हम ज्वाइंट कर दें तो ये लाइन बन जाती है. इस लाइन में जो लाइन होती है उसमें दोनों तरफ एरो लगाई जाती है, पहली बात. दूसरी बात क्या होती है कि लाइन को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. तीसरी बात, लाइन को की कोई भी लिमिट नहीं होती है, या अनलिमिटेड होती है. इसको किसी भी डायरेक्शन में हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट है, लाइन का कोई भी मिड पॉइंट नहीं होता. ए लाइन हैज नो एनी मिड पॉइंट. ओके, इट इज ए प्रोड्यूस ऑन बोथ डायरेक्शन. दोनों दिशाओं में इसको हम बढ़ा सकते हैं. ये तो बात हुई लाइन की. लाइन कि एक तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन. क्या ये भी लाइन नहीं है? ये भी एक लाइन है. इसको हम कहते हैं कर्व्ड लाइन. कर्व लाइन टेढ़ी मेढ़ी. अब एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे नंबर एक रोड. रोड है, सीधी जाती है, ठीक. नंबर दो, आपकी गली में बिजली के तार. ये चीज, ये एग्जाम्पल्स होते हैं. तीसरा नंबर हमारा जो इसका बाद में आता है, जो कर्व लाइन है, इसके एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे हम माउंटेन की रोड. माउंटेन पे रोड इस प्रकार से घूमती है. नंबर सेकंड होता है इसका एग्जाम्पल्स रिवर. रिवर भी सीधी नहीं चलती है, टेढ़ी मेढ़ी, जिधर से भी हो डाल होता उधर ही बहते चले जाते. तो इसके ये एग्जाम्पल्स हुए लाइन्स के. अब लाइन्स में अलग अलग तरीके से, ये लाइन है, एक तो हो गई ये मेरी स्ट्रेट लाइन, ये दोनों कौन सी लाइनें हैं? ये लाइन्स है दोनों पैरेलल लाइन्स. पैरेलल लाइन्स, बोथ लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर इन एनी पॉइंट. पैरेलल लाइन्स एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन्स. एग्जांपल्स, एग्जांपल्स में आप देख लीजिए, आपके सामने रखा हुआ है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है. इसके ये दोनों किनारे, ये दोनों लाइन कॉर्नर, इसकी दोनों लाइन जो है ये साइड है, ये दोनों साइड है पैरेलल है. क्या ये दोनों पैरेलल मिल जाएंगे? दोनों साइडें मिल जाएंगी. अगर ये साइडें बन जाए, मिल जाएंगी, तो ऐसा हो जाएगा बोर्ड. ऐसा तो होना नहीं है. तो ये दोनों पैरेलल साइड है, ये और ये साइड भी पैरेलल है. तो अब ये बॉल है, ये बॉल है, इसका ये कॉर्नर और इसका ये कॉर्नर, क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा. तो ये पैरेलल होते हैं. तीसरी बात, आपके पास देखो स्केल है, स्केल के दोनों किनारे क्या पैरेलल हैं? क्या पैरेलल हैं? दोनों पैरेलल हैं. आप जिस सीट पर बैठे हैं
वो सीट के कॉर्नर देख वो साइडें देखिए, क्या मिलेंगे दूसरे से? नहीं मिलेंगे। तो दीज आर द मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द पैरेलल साइड्स। रेलवे, रेलवे का ट्रैक, रेलवे लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं, क्या ये पैरेलल होते हैं? ये भी पैरेलल होती हैं। अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तो ट्रेन हल्क उलट जाएगी, ठीक। इसके बाद ये कौन सी लाइनें हैं? ये इंटरसेक्ट लाइंस हैं। कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से, दोनों ने एक दूसरे लाइन को आकर के यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया। जब ये इंटरसेक्ट कर दिया तो इसका नाम हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कौन सी लाइंस हैं बताओ? ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये लाइनें जो होती हैं, ये होती हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। ये कौन सी लाइन है? इस लाइन का क्या नाम है? इस लाइन का नाम होता है स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन मीन्स तिरछी रेखा, ठीक है। अब ये लाइन दोनों है, ये कौन सी लाइन्स हैं? तो देखें ध्यान से, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस और इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइंस, ठीक है। इन्हीं लाइनों के द्वारा हमारे कुछ एंगल्स बनते हैं। टाइम बता दिया, सात मिनट हो गए, ठीक। अब इन्हीं लाइनों के आप ऊपर कल हम आपको क्वेश्चन देते हैं, दैट्स ऑल।